अल्लाह प्यारे बच्चों, क्लास फिफ्थ की इंग्लिश गुलिवर एमंग द लिटिल पीपल हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 24। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। ही सेड टू हिमसेल्फ, ओह आई कैन नॉट मूव माई आर्म्स और लेग्स, दे आर टाइड एंड सम एनिमल इज मूविंग ऑन माई बॉडी, इट इज वॉकिंग टू माई फेस, वट एनिमल कैन इट बी। गुलिवर अपने आप से कहता है कि भाई मैं अपनी बाजू और अपनी टांगें जो हैं वो हिला नहीं सकता हूँ, ये बांधी हुई है और कोई जानवर जो है वो मेरे जिस्म के ऊपर चढ़ रहा है, और ये कौन सा है, इट इज़ वॉकिंग टू माई फेस, ये मेरे चेहरे की तरफ आ रहा है। तो ये कहता है व्हाट एनिमल कैन इट बी, कि ये कौन सा जानवर हो सकता है। इट वॉज ए टिनी मैन, ये एक बहुत छोटे साइज का आदमी है, आदमी था। ओनली 6 inches टॉल, ये सिर्फ 6 इंच लंबाई थी। इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम अरसे में, देर वेयर डजन्स ऑफ लिटिल मैन ऑन गुलिवर्स बॉडी, देखिए विद नो टाइम, उसके जिस्म के ऊपर, गुलिवर्स की बॉडी के ऊपर दर्जनों के हिसाब से ऐसे आदमी आ गए। एंड देर वेयर मैनी मोर अराउंड हिम, और कई उसके इर्द गिर्द भी थे। सम एमंग देम कैरीड बोज एंड एरोज, और वो क्या ले रहे थे, तीर कमान वगैरह अपने साथ लेके जा रहे थे। गुलिवर वाज इन ललीपुत द कंट्री ऑफ टिनी मैन, गुलिवर जो था वो ललीपुतों के मुल्क में आ गया था। ही वांटेड टू गेट अप, वो उसने उठने की कोशिश की। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, दीज स्ट्रिंग्स आर नॉट थिकर देन थ्रेड, और ये जो स्ट्रिंग्स जो थी ये एक धागे से ज़्यादा मोटी नहीं थी। आई कैन ईजली ब्रेक देम एंड फ्री माई सेल्फ, और कहते हैं अपने आप से कि भाई मैं इनको आसानी से के साथ तोड़ सकता हूँ, एंड मेक फ्री माई सेल्फ, और मैं अपने आप को आज़ाद कर सकता हूँ।